विश्वास भरी चाल, खुली मुस्कान, मध्यम लहजे में बात, अंतःकरण तक उतर जाने वाले सरल सौम्य प्रकाश भाई साहब, बड़े भाई साहब। परिवार से जितना प्यार मिला, समाज से भी उतना ही मान मिला। समाज में कोई इनका बैरी नहीं था। जब परिवार में उनके सबसे प्रिय व्यक्ति का नाम पूछा गया तो सभी ने प्रकाश भाई साहब का नाम लिया। इनकी लोकप्रियता से प्रसन्नता के साथ गौरव भी हुआ। भाई साहब दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनते थे। जब हम अपने जीवन में किसी विशेष व्यक्ति को खो देते हैं, समय रुकता प्रतीत होता है। हालांकि कोई प्रयास वास्तव में आपके न खोने में मदद नहीं कर सकता। आप हर विचार और यादों में बहुत करीब हैं। हम हमेशा आपसे हुई मुलाकातों को संजो कर रखेंगे। याद आता है वह स्नेह जो उनकी हर मुलाकात में समय दर समय बढ़ता ही रहता था। याद आता है वह वक्त जो उनके साथ गुजारा था। समय जिंदगी का कम होगा, कहां पता था। आपकी जिंदगी छोटी रही लेकिन सबसे अच्छी तरह जी कर गए। हर जगह सुगंध फैलाकर सुखद स्मृति सबके दिल में रख गए। जाने वाले कभी नहीं आते और बस जाने वालों की याद आती है। दुख बड़ा है, धैर्य और संतुलन ही हमें संभालेगा। सभी की आंखें तो नम होना जायज है, आखिर परिवार ने अपना खोया है। पहचान उन्होंने अपनी ऐसी बनाई सभी के दिलों में कि उनकी विदाई पर सभी गमगीन है। मृत्यु तू जितनी सत्य है उतनी ही अनिश्चित, जितनी ही संभावी है उतनी ही अकाल, जितनी स्वाभाविक है उतनी ही रहस्यमय। तू समय सीमा स्थान के बंधन से परे है। तुम्हारा आगमन कार्य ही कारण है और विशेष कारण गौण है। किसी के इंतजार की तुम्हें परवाह नहीं, किसी की इल्तजा की सुनवाई नहीं। कोई तुम्हारे दर पर दस्तक देता रहे, फरियाद करता रहे, तुम सुनो भी जरूरी नहीं। तुम्हारा निर्णय एक तरफा है। मृत्यु तू जितनी सत्य है उतनी ही अनिश्चित, उतनी ही अनिश्चित।